यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो नोटिफिकेशन आपका डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पे वो नोटिफिकेशन है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 6/2022 का विज्ञापन है संविदा आपका नियोजन के लिए। राजस्व एवं भूमि सुधार जो विभाग है उसमें जो वैकेंसी है आपका विशेष सर्वेक्षण कानून गो, जो विशेष सर्वेक्षण कानून गो का पद है, पद की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 758 जो पद है आपका, 700 जो है 58 पद है। तो इसके लिए भारत के सभी जो जो एलिजिबल कैंडिडेट से, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट से, सभी कैंडिडेट से जो ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी, जैसे आपका विशेष सर्वेक्षण कानून को, जैसे आपका मैंने पद बताया आपका 758 पद है, तो बहुत अच्छी पद संख्या है, ठीक है। उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति के लिए 135, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 127, आपका पिछड़ा वर्ग जो है 91, पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए 32 है, अनारक्षित जो कैंडिडेट्स है उसमें 302 की वैकेंसी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 64 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपके लिए एक अच्छे खासे वैकेंसी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बिहार राज्य के जो सभी कैंडिडेट्स इसका भरपूर फायदा उठाए, ठीक है। ये जो जैसे टोटल वैकेंसी आपका 758 के अंदर, जैसे 35% यहाँ पे आप देख सकते हैं, 35% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसको क्षेत्रीय आरक्षण कहते हैं महिलाओं के लिए है, उसमें 2% क्षेत्रीय आरक्षण आपका जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनका जो नाती नातन पोता पोती के लिए है, और जो बिहार राज्य के जो आपका दिव्यांग कैंडिडेट से, जो डिसेबल कैंडिडेट से, उनके लिए 4% का क्षेत्रीय आरक्षण टोटल वैकेंसी में रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो दिव्यांग कैंडिडेट से उनको अतिरिक्त जो आयु में, अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट जो है अनुमान्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आरक्षण, आरक्षण की अगर बात करें, आरक्षण में देखिए 40% आरक्षण उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कैंडिडेट बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से या AICTE आपका AICTE जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त जो पॉलिटेक्निक आपका पॉलिटेक्निक संस्थानों से जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा किए हैं इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स किए हैं किसी भी बिहार राज्य के जो सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा जो AICTE जो आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी आपका पॉलिटेक्निक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में किए हैं उनके लिए देखिए 40% जो है क्षेत्रीय आरक्षण रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं आपका मानदेय और जो आपका शिक्षण की योग्यता, जैसे आपका पोस्ट है दोबारा दोहराता हूँ, आपका विशेष सर्वेक्षण कानून को है जिसके लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए और 2 वर्ष की जो न्यूनतम अनुभव चाहिए, कार्य अनुभव चाहिए, ठीक है। इसके लिए देखिए आपको मानदेय जो दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड जो सैलरी दिया जाएगा 36,000 के दिए जाएंगे, इसमें न्यूनतम न्यूनतम का जो कार्य अनुभव 2 वर्ष की होना चाहिए, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन से चलेगा, ठीक है। बट उसमें और एक जो आपको बेनिफिट वाला बात ये दिया गया है, जिनका 2 वर्ष से ज़्यादा कार्य अनुभव होगा, 2 वर्ष से जितना ज़्यादा वर्ष का कार्य अनुभव होगा, हर 2 वर्ष के बाद जो है हर वर्ष के पीछा आपको 5 अंक जो है मैक्सिमम 20 अंक तक आपको जोड़े जाएंगे आपका जब सिलेक्शन के दौरान, ठीक है। 2 वर्ष तो आपका नॉर्मली जो कार्य अनुभव रहेगा रहेगा, उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, उसके अलावा हर वर्ष के पीछे 5 अंक जो जोड़े जाएंगे, मैक्सिमम 20 अंक तक आपको जोड़े जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उम्र सीमा की अगर बात करें, निम्नतम आयु जो है ये आपको काउंट किए जाएंगे 1 जनवरी 2022 तक काउंट किए जाएंगे, कैंडिडेट्स कोई भी कैंडिडेट 18 साल से कम नहीं होना चाहिए 1/1/2022 तक। अभी नेक्स्ट होता है अधिकतम आयु की सीमा, अधिकतम आयु की सीमा में अनारक्षित जो पुरुष है 37 ईयर्स तक आवेदन कर सकते हैं, अनारक्षित महिलाएं हैं आपका पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आपका पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष और महिलाएं यहाँ पे देख सकते हैं 42 वर्ष तक इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अभी जो एक सबसे बड़ी पॉइंट है जैसे आपका नियोजन अवधि, ठीक है, ये जो नियोजन अवधि आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो 31 मार्च 2024 तक आपका नियोजन अवधि रहेगा, आवश्यकता पड़ने पर ये इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इस नोटिफिकेशन का जो बाकी डिटेल्स को जानने से पहले जो भारत सरकार के सभी जो कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगा,
ठीक है, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं या पहले से अगर आप लोग विजिट करते आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से जो जॉब नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो पक्का इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहता हूँ बिहार राज्य के सभी कैंडिडेट, बिहार राज्य के हर गाँव, हर कोने पर, हर मोहल्ले पर इस तरह की जो नोटिफिकेशन सभी कैंडिडेट्स के पास, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स के पास पहुँचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है, जैसे विज्ञापन में जो जैसे जितना टोटल जो वैकेंसी है, वैकेंसी का 3 गुना के जो वैकेंसी के लिए, वैकेंसी को काउंसलिंग के लिए बुलवाया जाएगा, काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, जैसे टोटल वैकेंसी आपका दिया गया इसमें 758 वैकेंसी, उसका 3 गुना कैंडिडेट्स जो है इसमें काउंसलिंग के लिए बुलवाए जाएंगे और काउंसलिंग के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए उसमें सिलेक्शन जो प्रक्रिया रहेगा, सिलेक्शन जो प्रक्रिया रहेगा, यहाँ पर देखिए मैट्रिक, आपका डिप्लोमा या न्यूनतम कार्य, आपका मैट्रिक, डिप्लोमा, मैट्रिक का वेटेज देखिए यहाँ पे, देखिए आपको मैट्रिक का जो वेटेज है वो 10% वेटेज दिया जाएगा, जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का जो वेटेज इसमें 70% वेटेज दिया जाएगा, और जो न्यूनतम कार्य अनुभव के बाद हर वर्ष के लिए, हर वर्ष के लिए आपका 5 अंकों के हिसाब से आपका 20 अंक जो है दिए जाएंगे। 1 मिनट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो वेटेज आपका 10th का जो 10% का वेटेज रहेगा, और आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 70% वेटेज, और इसमें आपको देखिए जो कार्य अनुभव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 अंक तक दिया जा सकता है, इस आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किए जाएंगे। और इस पोस्ट के लिए जैसे मैंने पहले से बता रखा हूँ, जैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपका 21 अक्टूबर 2022 से लेकर 16 नवंबर 2022 तक आपका जो ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, बिहार राज्य के सभी जो कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें देखिए ये जो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो अवधि जैसे रखा गया है 21 अक्टूबर 2022 से लेकर 16 नवंबर 2022, उसके पश्चात आपको 4 दिन के लिए एक करेक्शन विंडो जो है ओपन हो जाएगा। करेक्शन विंडो में आपको 4 दिन समय दिए जाएंगे, उसमें जो अभ्यर्थी जो समर्पित किया हुआ जो आपका एप्लीकेशन में अगर किसी प्रकार का सुधार लाना चाहते हैं उनको वो 4 दिन के अंदर वो जो है करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया तो आवेदन का जो प्रक्रिया है उसी डेट में रहेगा। जो बाकी जो कैंडिडेट्स इसमें बिहार राज्य के जो जो कैंडिडेट्स हैं जिसको विस्तृत जानकारी चाहिए, ये जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें देखिए आपका जैसे विशेष सर्वेक्षण कानून को, विशेष सर्वेक्षण जो लिपिक है और विशेष सर्वेक्षण जो अमीन है, इस तरह की 4 नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। चारों का वीडियो जो है मेरा जो टेलीग्राम पेज में आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम पेज का जो लिंक है वो मेरा जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ठीक है, उस वहाँ पे आपको 4 नोटिफिकेशन जो वैकेंसी, बड़े बड़े जो वैकेंसी निकला है सारे का वीडियो वहाँ पे मिलेगा और पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे आवेदन जब करेंगे इस वेबसाइट में, आपको जैसे आवेदन करना होगा इस वेबसाइट में, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन जब करवाएंगे आपको आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप जो पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट जो है वो आपका अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की जो अंतिम तिथि के पश्चात, जैसे मैंने बता दिया 4 दिन के लिए आपको रेक्टिफिकेशन विंडो खुल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पे जो है कर सकते हैं। ठीक है, यही था इस नोटिफिकेशन का जो विस्तृत जानकारी जो मैंने कवर किया इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ जो बिहार राज्य के तमाम जो कैंडिडेट्स से इस नोटिफिकेशन या वीडियो को देखने के बाद आप लोग आराम से समझ जाएंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ऑन ड्यू टाइम उसका आपको रिप्लाई भी मिलेगा। ओके, चलिए इस नोटिफिकेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।